हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल करियर्स एंड कोर्सेस। इस वीडियो के थ्रू हम आपके साथ कुछ वैकेंसी शेयर करने वाले हैं जो कि एक यूनिवर्सिटी में आई हुई हैं, हायर एजुकेशन में, और ये एक स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आई हुई हैं जो वैकेंसीज हैं। टोटल 80+ वैकेंसीज हैं और परमानेंट पोजिशन है ये सभी। इसमें जो सैलरीज दी जाएंगी वो ऑब्वियसली 7th पे कमीशन के हिसाब से होगी, और अलग अलग पोजीशंस हैं। कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए हैं, कुछ एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए हैं, और कुछ प्रोफेसर लेवल पे आई हुई हैं। जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें इंग्लिश, सोशल साइंसेज, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग में बहुत सारी वैकेंसीज हैं, डेयरी फार्म्स, एग्रीकल्चर और उससे जो संबंधित फील्ड हैं उसमें काफी सारी वैकेंसीज ये आई हुई हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी पोजीशंस हैं, कितनी वैकेंसीज कौन से डिपार्टमेंट में है, और उसकी लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है, सारी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल पर, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को। वीडियो के नीचे राइट हैंड साइड में सब्सक्राइब का बटन है, जिससे डेली बेसिस पे जो हम वैकेंसी शेयर करते हैं आपके साथ, प्राइवेट में और गवर्नमेंट में दोनों में, वो आप तक पहुंचती रहे और आप कोई वीडियो मिस ना करें। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि वो वैकेंसीज कहां पे हैं। तो यूनिवर्सिटी के अंदर 4 मेजर डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट ने अपना एक अलग नोटिफिकेशन जारी करा है, और जो क्लोजिंग डेट है वो आप देख सकते हैं वेबसाइट के ऊपर, ये 14th अक्टूबर है। तो ये आपके पास अभी टाइम है इसको भेजने के लिए। तो हर ये चारों एडवर्टीजमेंट में सबके नीचे अलग अलग उसके जो नोटिफिकेशन है वो निकले हुए हैं, हम एक एक करके वो आपको दिखाते हैं। तो जब आप डिटेल पे क्लिक करेंगे तो ये वैकेंसी सबसे पहले खुल के आता है, ये वाला पेज। अब ये जो वैकेंसी है ये उनके जो सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उसमें है, उसका जो कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज है उसमें ये उस डिपार्टमेंट की वैकेंसीज है जो इनको, और जो वैकेंसीज हैं उसमें प्रोफेसर उनको चाहिए एक एनाटॉमी में, एक प्रोफेसर लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, प्रोफेसर फॉर वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी, वेटरनरी पैथोलॉजी, फिर लाइव स्टॉक फार्म कॉम्प्लेक्स, फिर एसोसिएट प्रोफेसर इनको चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर इनको चाहिए वेटरनरी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडोमोलॉजी, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर वेटरनरी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में। टोटल इस डिपार्टमेंट में 12 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 5 अनरिजर्व्ड हैं, 1 EWS कैटेगरी के लिए है, 4 OBC के लिए है और 2 SC/ST कोटे में आती हैं। सैलरीज इन्होंने क्लियरली मेंशन करी हुई हैं, जो 7th पे कमीशन के हिसाब से सैलरीज हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एंट्री लेवल पे है वो 57,700 रुपीज होती है लेवल 10 के हिसाब से, फिर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1,31,400 रुपीज होती है। जो क्वालिफिकेशंस वगैरह है वो उन्होंने अलग से एक्चुअली डिटेल में दिया हुआ है कि आपका क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, बट प्रेफरेंस दिया जाता है PhD कंप्लीशन वाले स्टूडेंट्स को। तो अगर आपने PhD कंप्लीट कर रखी है या और जहां से वो कर रखी है उसका भी बहुत बड़ा इसमें रोल है जो प्ले करता है। जो एप्लीकेशन आपने ऑनलाइन भरना है सबसे पहले, तो जिसमें आपका जो इनका एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने डालने हैं, अपलोड करने हैं और ईमेल करने हैं, वो इसमें लिखा हुआ है कि आपका डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू योर एज, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट, जॉब एक्सपीरियंस, रिजर्वेशन कैटेगरी और फीस पेमेंट की रिसिट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपने स्कैन करके तैयार रखने हैं जब आप अप्लाई कर रहे हैं, और आपने इस ईमेल आईडी पर भेजना है जो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, recruitment@gmail.com 14 अक्टूबर से पहले भेजना है। उसके साथ ही आपने सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट निकालना है, और वो भी आपने इस जो एड्रेस दिया हुआ है रजिस्ट्रार SVP यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, मेरठ में ये यूनिवर्सिटी है, वहां पे आपने भेज देना है। जो फीस आपने पे करनी है उसके लिए नीचे इन्होंने बैंक की डिटेल भी दी हुई है। हम बाकी डिपार्टमेंट्स की वैकेंसी भी दिखाएंगे, बट ये क्योंकि ये प्रोसीजर जो है वो सबके लिए सेम है, तो वो हम किसी भी एक एडवर्टीजमेंट में देख सकते हैं। फीस आपने इन दी हुई डिटेल्स के आधार पर पे करनी है, बैंक अकाउंट नंबर, फिर IFSC कोड और जो है ब्रांच एड्रेस वगैरह इसमें सब दिया हुआ है। दूसरी जो वैकेंसी है वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो दूसरे डिपार्टमेंट में इनके है,
उसकी भी क्लोजिंग डेट 14th अक्टूबर है और ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है, तो यहाँ पे उनको इंजीनियरिंग की लगभग सारी ब्रांचेस में फैकल्टी मेंबर्स चाहिए, उसके साथ ही केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, आईटी में, कंप्यूटर साइंस में और भी बहुत सारे अलग अलग जो ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग की उसमें भी उनको फैकल्टी मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है। टोटल 35 वैकेंसीज हैं और एप्लीकेशन का प्रोसीजर भी सेम है, सेम सैलरीज जो पे करेंगे 7 पे कमीशन के हिसाब से। जैसे प्रोफेसर के लिए उनको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी आपको कम से कम 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको रिक्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी मेंशन करा हुआ है, आपने उनके जो पर्टिकुलर ईमेल आईडी है वहाँ पे वो अपना रिज्यूमे ईमेल करना है बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, और फिर आपने उसका हार्ड कॉपी निकाल कर इस एड्रेस पर भेजना भी है, प्रोसीजर सेम रहेगा। तीसरा जो डिपार्टमेंट है वो आप देख सकते हैं थोड़ा और अगर ऊपर की तरफ जाएंगे वेबसाइट पर, इसकी भी जो लास्ट डेट है 14th अक्टूबर है और ये है कॉलेज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड फूड प्रोसेसिंग। तो बेसिकली ये एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है तो उसी से संबंधित वैकेंसीज यहाँ पे हैं सारी। तो इसमें जो वैकेंसीज हैं 24 हैं और जो चाहिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है, डेयरी केमिस्ट्री, डेयरी इंजीनियरिंग, डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी बिजनेस मैनेजमेंट, फूड बिजनेस मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स के भी प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है। तो ये आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो ये आप अपने हिसाब से इसमें चेक कर सकते हैं। जो एक और डिपार्टमेंट है उसका, उसमें भी कुछ वैकेंसीज हैं, उसमें 15 वैकेंसीज हैं और ये है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। तो इसमें उनको वेजिटेबल साइंस, प्लांट प्रोटेक्शन, फ्लोरिकल्चर, फ्रूट साइंस, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, उन सभी में उनको फैकल्टी मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है। प्रोसीजर इसके लिए भी सेम है, सेम सैलरीज वो पे करते हैं। आपने इस डॉक्यूमेंट को आप खुद से डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आपको, आप इस वेबसाइट का ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, svpmerit.ac.in। कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में, बट चूंकि ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है इसके लिए जो रिजर्वेशन का लाभ आपको तभी मिलेगा अगर आपका उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है, यूपी का डोमिसाइल अगर आपका है तभी वो आपको मिलेगा। दूसरी हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, तो ये यहाँ पे उसके नीचे इन्होंने दिया हुआ है। आप इसको ओपन करेंगे तो पूरा एक फॉर्मेट है, वर्ड में वर्ड फाइल है, प्रिंट आउट निकालने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको ऑनलाइन ही भर सकते हैं कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर। फिर आप इसको सेव कर लेंगे एज अ पीडीएफ और बाकी सारे डॉक्यूमेंट आपने स्कैन कर लेने हैं और उसे ईमेल करना है आपने जो ईमेल आईडी दिया हुआ है। कोई भी एडवर्टीजमेंट खोल के देख लीजिए, उस पर वो ईमेल आईडी लिखा हुआ है। फिर सारे डॉक्यूमेंट्स की प्रिंट आउट निकाल के आपने रजिस्ट्रार को मेल करना है, मतलब कुरियर से भेजना है। उसके साथ ही जो इनकी चुनाव की प्रक्रिया रहेगी वो क्या रहेगी वो भी यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर स्कोर कार्ड, अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल की बात करें तो इन्होंने पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि किस किस बेसिस पे कितने मार्क्स आपको दिए जाएंगे और कैसे आप सेलेक्ट हो पाएंगे इसके लिए। तो आप अपने मार्क्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं डिटेल्स में। एकेडमिक्स को काफी वैल्यू दी गई है, आपके एक्सपीरियंस को भी वैल्यू है, मार्क्स के हिसाब से जितने मार्क्स आपने ऑप्टेन करे हैं ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसके हिसाब से भी मार्क्स कम या ज्यादा आपको मिल सकते हैं। फिर आपका रिसर्च का एक्सपीरियंस किस तरह का है उसको भी वैल्यू दी गई है। और फिर आपने इसमें जब नीचे की तरफ जाते जाएंगे तो पूरी डिटेल एक्चुअली आपको वहां पे मिल जाएंगी। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप गवर्नमेंट में एंट्री करने की सोच रहे हैं जॉब में, और अगर आप किसी भी बेसिक साइंसेस से अगर आप आते हैं या फिर इंजीनियरिंग से हैं, एग्रीकल्चर से हैं, उसके रिलेटेड फील्ड से हैं, ज़रूर इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्शन के लिए प्रयास कर सकते हैं। होप ये आपके लिए यूजफुल था। अगर कोई क्वेरीज हो आपकी तो आप हमें वापस कमेंट करके बताइए, विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक्स फॉर